बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें किस तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ठीक है। उसमें लॉग आया हुआ है और ज़्यादातर हमारे पास जो लॉग है वो नेचुरल लॉग होता है, जिसे हम ln से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉग टू द बेस ई, ठीक है। ये ln किसे कहते हैं, देखें, ln बराबर होता है लॉग जिसकी बेस ई हो, ठीक है ना, इसे कहते हैं। तो हमें ज़्यादातर यही फंक्शन दिए हुए होंगे, और जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिए हुए हों और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह से निकालेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे। देखें, ln के साथ जो भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ओवर जो भी ln के साथ लिखा है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 1 ओवर करके इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो ln के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा या जो भी टर्म लिखी हुई होगी उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरीके से एप्लीकेशन होगी इसकी। सबसे पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें कह रहे हैं ln 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस तरह से लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर हमारे पास ln p ओवर q दिया हो, यानी कि दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों लॉग में, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ln p माइनस ln q, यानी कि जो भी न्यूमरेटर में है वो पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ln के साथ q लिखेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ln न्यूमरेटर लिखा हमने माइनस का साइन, फिर ln के साथ डिनोमिनेटर की टर्म लिखी जो भी लिखी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। यहाँ पर मैंने x लिखा है, लेकिन हमारे पास जो टर्म होगी ना आपके क्वेश्चन में उसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। डी ओवर डी टी एफ टी हो जाएगा, डी ओवर डी टी एल एन, और ये चीज़ आ गई, फिर माइनस का साइन, फिर इसके साथ भी डेरिवेटिव। अच्छा, दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, आपको पता है सम और डिफरेंस रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों को सेपरेटली इंडिविजुअली लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखें एल एन के साथ जो भी टर्म है, एल एन के साथ जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर जो भी लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको ओवर करके लिख दिया, 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो भी चीज़ एल एन के साथ दी हुई है, 1 माइनस टी स्क्वायर दिया ना, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन, इसके साथ भी ये करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे इसका, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, माइनस का साइन, एज इट इज़ आ जाएगा, पावर क्या है, 2 पहले आ जाएगी पावर, फिर क्या करते हैं, टी के ऊपर पावर 2 है, 2 में से माइनस 1 करवा देते हैं, जो पावर है उसमें से माइनस 1 करवा देंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, इस वजह से 2t इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला वैसे ही होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का साइन, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, ये चीज़ जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने नीचे लिख दिया, और दोनों को आप डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या बन गया, 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखें ये ए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, बीच में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों टर्म सेम है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा बन गया। इसे हम क्लोज कर देंगे किस में, ए, ए क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, टी का स्क्वायर जो है उसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 माइनस 1, 2t मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस 2t हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन ही आएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, ये 1 और ये 2 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2t आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, ये माइनस का 2t स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का 4t हो गया, और नीचे हमारे पास 1 माइनस टी की पावर 4 है, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। अब इसका हम पार्ट 2 देख लेते हैं, और पार्ट 2 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ln टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो हमने टी को कॉमन ले लिया और टी प्लस वन, यहाँ पर से टी कॉमन आ गया तो यहाँ टी बच गया और यहाँ वन बच गया, टी प्लस वन। अब आप देख सकते हैं कि ये टी और ये टी प्लस वन ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉगरिथम का जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, जब लॉग में आपको पी मल्टीप्लाई बाय क्यू यानी कि कोई एक टर्म दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उसको लिखते कैसे हैं, एल एन पी प्लस एल एन क्यू, यानी जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो टर्म्स लॉग में तो उसे हम प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उसे हम माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल एन टी प्लस एल एन टी प्लस वन ये और ये इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया और बीच में प्लस का साइन लिख दिया, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी हमारे पास वेरिएबल है क्वेश्चन में, इस वजह से डी ओवर डी टी एफ टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एल एन टी लिख देंगे, इसके ऊपर भी अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, इस पर भी अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, एल एन टी यानी कि एल एन टी का मतलब क्या है, जो भी एल एन के साथ दिया हुआ है टी दिया हुआ है तो वन ओवर टी करके लिख देंगे, वन ओवर टी लिख दिया, फिर डॉट लगाया, फिर क्या है टी एल एन के साथ क्या है टी, इसका डेरिवेटिव लिए टी डी टी ओवर डी टी आपको पता है वन के बराबर होता है, ठीक है। वो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, वन ओवर टी प्लस वन यहाँ आ जाएगा और फिर डी ओवर डी टी यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, टी प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, डी टी ओवर डी टी वन के बराबर होता है, आपको पहले भी बताया है जब यहाँ पर वेरिएबल्स दोनों के सेम होंगे तो उसका डेरिवेटिव वन के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी ओवर डी टी करेंगे तो ये वन के बराबर होगा और कांस्टेंट नंबर वन है तो इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा, ठीक है। डी टी ओवर डी टी क्या होगा, वन के बराबर और इसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये यहाँ पर लिख दिया और ये चीज़ एज इट इज आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, वन ओवर टी और यहाँ पर वन ओवर टी प्लस वन, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। पार्ट थ्री देख लें, तो पार्ट थ्री में आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी कर दें, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, सबसे पहले एल एन टी की पावर फाइव दी हुई ना, तो पावर को पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर पहले लिखने के बाद जो भी हमारे दिया हुआ है बेस दी हुई है वो लिखी हमने, जो पावर है उसमें से माइनस वन करवा दिया, फाइव में से माइनस वन करे फोर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिखते हैं, जो भी जिसके ऊपर पावर है ना, जिस टर्म के ऊपर पावर है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं आगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज रहेगी, यहाँ पर एल एन टी का डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, एल एन के साथ टी है मौजूद तो वन ओवर टी करके लिख देंगे, अब इसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और फिर डी टी ओवर डी टी वन ओवर टी करके लिखा, फिर टी है इसके साथ तो डी टी ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव लेंगे, और डी टी ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में टी बच गया और ये वन इससे पूरे से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ वापस आ गई, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये बहुत सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर कर लेते हैं, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन एल एन और फिर उसके बाद एल एन टी दिया हुआ है, ठीक है। एल एन के साथ क्या है, एल एन टी। अब ये देखें, एल एन के साथ जो भी दिया हुआ होगा वो हम वन ओवर करके लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी हमें वेरिएबल दिया हुआ है इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एल एन के साथ ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इसको वन ओवर एल एन टी इस तरीके से करके लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे या फिर डॉट लगा देंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसी चीज़ का, ठीक है। एल एन के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, अब इसका डेरिवेटिव एल एन के साथ टी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो एल एन के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ, तो वन ओवर टी लिखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे किसका, एल एन के साथ क्या लिखा हुआ है, टी डी टी ओवर डी टी लेंगे, ठीक है। पहले जो लिखा हुआ है इसके साथ वन ओवर करके लिख दिया, फिर इसी चीज़ का एल एन के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लिया। डी टी ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, ये वन हो जाएगी, फिर क्या बच जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन इज़ वन हो जाएगा, टी यहाँ आ गया, एल एन टी इसके साथ आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, सिंपल, ठीक है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है और आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब हमें देखें डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है लॉग, ठीक है ना। एल एन हमें दो टर्म्स दी हुई हैं और वो दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, जब भी डिवाइड हो रही होती है यानी कि एल एन पी ओवर क्यू जब इस तरीके से दिया हुआ होगा तो वो किसके बराबर होता है, एल एन पी माइनस एल एन क्यू के बराबर होता है, ठीक है। पी क्या है, न्यूमिरेटर, और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, एल एन
यानी कि टी की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर जो है पूरा लिख लिया, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर एल एन करके डिनोमिनेटर लिख लिया। अच्छा ये याद रखिए कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ एल एन पी ओवर एल एन क्यू, यानी कि कोई भी टर्म एल एन के साथ डिवाइड हो रही है, तो इसका आंसर इसके बराबर नहीं होगा। सिर्फ इस चीज़ का एल एन अलग लिखा हुआ होगा और पी ओवर क्यू अलग लिखा होगा, पी ओवर क्यू करके दिया होगा, तो हम इसको एल एन पी माइनस एल एन क्यू के इक्वल लेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डी ओवर डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे भी और फिर इसके ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लगा देंगे क्योंकि दोनों टर्म्स जो है आपस में माइनस हो रही है, सम और डिफरेंस का जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं, इस पर भी इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, इस पर भी इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एल एन वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, एल एन के साथ हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ये जो ब्रैकेट में पूरी है, तो इसको हम क्या करेंगे वन ओवर करके यही चीज़ पूरी लिख देंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, इसी चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, बीच में माइनस का साइन, एल एन के साथ क्या है ये चीज़ पूरी मौजूद है, वन ओवर करके ये पूरी चीज़ लिख दी, फिर इसी का हमने क्या ले लिया, एल एन के साथ जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे किस तरीके से, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव जब भी हम देखते हैं तो क्या होगा, अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या है माइनस हो रही है, तो हमने अभी बताया था कि डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, तो हम इस पर भी डेरिवेटिव इसका लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अभी मैं स्टेप करके नहीं दिखा रही हूँ, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किस तरीके से निकलता है, वन ओवर टू करके जो भी रूट में दिया हुआ, स्क्वायर रूट में दिया हुआ वो नीचे लिख देंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे जो रूट के अंदर जो भी चीज़ दी हुई है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी टर्म दी हुई है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने यही किया, रूट दिया हुआ है ना, तो वन ओवर टू करके जो भी रूट में दिया हुआ है वो लिख दिया हमने, फिर डेरिवेटिव लिया किसका, जो रूट के अंदर है, टी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, माइनस का साइन, फिर डी टी ओवर डी टी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी ओवर डी टी वन के बराबर होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर, इसका भी इसी तरीके से डेरिवेटिव लेंगे, वन ओवर टू करके जो भी रूट है वो नीचे लिख दिया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे रूट के अंदर जो है, टी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, फिर डी टी ओवर डी टी, इसका डी टी ओवर डी टी करेंगे तो वो वन के बराबर होगा, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर का, तो पावर पहले आ जाएगी टू, और टी के ऊपर पावर क्या है टू है, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन टू टी, यानी कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी के बराबर हो गया, कांस्टेंट नंबर वन है इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, और ये माइनस का वन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये माइनस वन अलग है, यहाँ पर भी यही कर लीजिए, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी है और प्लस का वन ये रहा। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पर जो ये टू है ना, ये इसको कैंसिल कर दें, ये चीज़ एज इट इज़ आएगी। ठीक है, यहाँ पर टी बच गया, यहाँ पर टी बच गया और नीचे ये चीज़ है और बीच में माइनस वन है। ठीक है ना, अब ये जीरो को ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो जीरो ख़त्म हो गया ना, यहाँ पर क्या बच गया टी माइनस वन। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, ये चीज़ जाकर इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, रूट टू टी स्क्वायर प्लस वन, जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, ऊपर यहाँ पर टी है माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसके ये है, इसका एलसीएम सिंपल इस तरीके से डायरेक्ट ले लें। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, यहाँ पर भी प्लस वन है, ये चीज़ इससे वन से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगी टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वही रखेंगे हम, रूट टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं। माइनस का साइन क्यों कॉमन ले रहे हैं, देखें डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं रूट टी स्क्वायर प्लस वन माइनस किए, और यहाँ पर रूट टी स्क्वायर प्लस वन माइनस में और ये प्लस में, हमें इसको इसके बराबर लाना है, इस चीज़ को ना इसके इक्वल लाना है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों को रख दिया हमने एक साथ, यहाँ पर क्या बच गया डिनोमिनेटर में ये वन, वन ओवर रूट टी स्क्वायर प्लस वन, ये हमने अलग लिख दिया इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो इससे पूरा कैंसिल ही हो गया, माइनस वन ओवर रूट टी स्क्वायर प्लस वन बच गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं हम, यहाँ पर माइनस वन, देखें जिस दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो एक बार हमने लिख लिया, जो भी न्यूमिनेटर में होगा तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस वन है इसके ऊपर और यहाँ पर भी माइनस वन है, ये माइनस वन और ये माइनस वन,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ओवर रूट टू टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन एक दो तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें हमें फंक्शन दिया है वन ओवर टू टेन स्क्वायर टी प्लस एल एन कॉस टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, यानी कि इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ डेरिवेटिव, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इस वजह से। और ये बात याद रखें कि जब भी आपके पास कोई भी हमें दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है उसके साथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट, ये इसका कोफिशेंट है ना, तो ये कोफिशेंट क्या है, कांस्टेंट नंबर है वन ओवर टू, तो कांस्टेंट कोफिशेंट को हमेशा पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने वन अपॉन टू जो कांस्टेंट कोफिशेंट था उसको पहले लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया और फिर इसका भी हमने इसी तरीके से डेरिवेटिव लिया। ये वन अपॉन टू बाहर ही रहेगा, फिर यहाँ पर देखें, अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो टू हमने पावर जो थी वो पहले लिख दी, फिर पावर में से टू में से वन माइनस करेंगे तो वन बच जाएगी, टेन की पावर वन टी। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जिसके ऊपर भी पावर दी है उसका डेरिवेटिव, यानी जो बेस है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी टी करेंगे और टेन टी, बेस क्या है टेन टी, इसके अंदर हमने पावर को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, पावर का हमने डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, टेन टी का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें, इसका डेरिवेटिव एल एन के साथ दिया हुआ है, तो एल एन के साथ जब भी दिया होता है वन ओवर जो भी एल एन के साथ लिखा हुआ है वो लिख देंगे, वन ओवर कॉस टी लिख दिया इस वजह से हमने, और डेरिवेटिव लिया जो भी एल एन के साथ, यानी कि क्या लिखा हुआ है, कॉस टी लिखा हुआ है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ये हो रहा है टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, टेन टी यहाँ पर आ गया, टेन टी, टेन का डेरिवेटिव, टेन थीटा के डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर टी दिया हुआ है एंगल की जगह, तो हम सेक स्क्वायर टी लिखेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के डेरिवेटिव इसका बराबर होता है। ठीक है, ये कर दिया, और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, जो एंगल होता था ना उसका डेरिवेटिव लेते थे, तो एंगल यहाँ पर टी है, डी टी ओवर डी टी करेंगे तो वन के बराबर ही होगा, तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, इस वजह से मैंने किया नहीं है सिर्फ। लेकिन तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है जी, अब ये चीज़ यहीं पर रहेगी, कॉस टी यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, थीटा की जगह टी लिखा हुआ है तो हमने माइनस साइन टी लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस साइन टी ओवर कॉस टी किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन यानी प्लस माइनस माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन टी के। ठीक है, टेन थीटा की जगह टी लिखा हुआ तो टी लिख दिया हमने। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों जगह पर टेन टी कॉमन है, इसमें हमने कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर टी यहाँ बच गया, यहाँ पर माइनस वन बच गया। अब ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर टी की फॉर्म में अब हम सीख रहे हैं तो टी की फॉर्म में लिखेंगे, बराबर होता है सेक स्क्वायर टी के। तो अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं कि प्लस का वन है ना दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर टी के, तो सेक स्क्वायर टी माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर टी हम इसकी जगह लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टेन स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, टू है और इसके ऊपर वन है, टू प्लस वन इज थ्री, तो टेन क्यूब थ्री टी आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।